हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। सभी बच्चों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज का अपडेट लेकर आए हैं हम पीवी का। ठीक है, मध्य प्रदेश जो व्यापम है उसका हम अपडेट लेकर आए हैं। क्या है अपडेट, इसलिए अपडेट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जैसे ही आप गूगल क्रोम पर या जो भी सर्च इंजन पर आप सर्च करोगे पीवी, तो जो फ्रंट पेज खुलेगा उस पर आपको सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उस पर क्लिक करना है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, किसकी, व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी या इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है, आपको किस लैंग्वेज में समझना है, पढ़ना है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन देखने के लिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ कि कहाँ से हमारे को कैलेंडर मिलेगा। ये जो फ्रंट पेज खुला है ये व्यापम का फ्रंट पेज है। ठीक है, अब हमारे को कैलेंडर देखना है, तो कैलेंडर कहाँ मिलेगा, इधर इस साइड जो एग्ज़ाम शेड्यूल लिखा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे को क्या, जो कैलेंडर है वो खुल जाएगा। ठीक है, ये जो डेट दी गई है, एग्ज़ाम डेट दी गई है, सिर्फ ये टेंटेटिव है, संभावित है, इससे पहले भी हो सकता है एग्ज़ाम और इसके कुछ बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 से 4 नंबर तक दी गई हैं, ठीक है, जो 1 से 4 नंबर के टेस्ट दिए गए हैं, ये क्या है, ये इंट्रेंस टेस्ट होते हैं। इनको क्लियर करने के बाद आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इनको क्लियर करना होगा। तो इन सभी की एग्ज़ाम डेट जो है अक्टूबर 2021 दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद 5वें नंबर पर, वो 6वें नंबर जो पर जो है पुलिस आरक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती 2020, इनके फॉर्म भरा चुके हैं, इनके एग्ज़ाम डेट दी गई है अक्टूबर नवंबर 2021 और दिसंबर जनवरी 2022। ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की ये वैकेंसी के एग्ज़ाम जो होंगे वो जनवरी 2022 तक होंगे, संभावित है, इसके कुछ लेट भी हो सकता है। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर समूह 2 समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों के पदों हेतु भर्ती। ठीक है, ये भी इंट्रेंस टेस्ट है एक प्रकार का, जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आपने इसके क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद समूह 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर अन्य पदों हेतु भर्ती। तो इसके लिए जो आपको CPCT या फिर जो आप कंप्यूटर से जितने भी कोर्सेज होते हैं वो किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक है, 12th बेस की जो वैकेंसीज होती हैं वो है। ठीक है, समूह 1 उपसमूह 3 हाउसकीपर साइकेट्रिक वर्कर कार्यक्रम प्रबंधक बाल संरक्षण जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन एवं रोजगार एवं अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा, ये भी रिक्रूटमेंट टेस्ट है। इसका एग्ज़ाम डेट जो टेंटेटिव है वो फरवरी 2022 होगी। ठीक है, 10वें नंबर पर आता है समूह 2 कनिष्ठ लेखा अधिकारी, ये क्लर्क स्टाफ जो होता है ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उनके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, फिर 11वें नंबर पे है कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी पदों हेतु भर्ती, जिसको हम बोलते हैं TO ट्रेनिंग ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ITIs में टीचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, TO बोलते हैं। तो उसके लिए जो वैकेंसी, जो एग्ज़ाम डेट है उसकी वैकेंसी की, वो मार्च 2022 दी गई है, टेंटेटिव डेट है। ठीक है, फिर 12वें नंबर पर आता है समूह 2 उपसमूह 3 सहायक लोक विश्लेषक रसायनज्ञ 2 व अन्य पदों हेतु भर्ती, ये भी रिक्रूटमेंट टेस्ट है। इसकी एग्ज़ाम डेट भी मार्च 2022 दी गई है। फिर 13वें नंबर पर आता है समूह 1 उपसमूह 1 के अंतर्गत जिला प्रबंधक कृषि एवं प्रबंधन व अन्य पदों हेतु भर्ती 2021, तो ये भी, इसकी भी डेट मार्च 2022 दी गई है। ये सारी तिथियाँ आप अपनी तैयारी रखेंगे। ठीक है, तिथि के हिसाब से आपको नहीं बैठना है कि एग्ज़ाम तो और लेट होगा, नहीं और लेट होगा, इस सर बोल रहे हैं इसके बाद भी हो सकता है, पहले भी और लेट हो सकता है। ठीक है, पर आपको ये नहीं बैठना है कि तिथि के हिसाब से बैठना है, जो डेट दी गई उसके हिसाब से बैठना है, आपको तैयारी फुल रखना है आपकी। अगर आपका एग्ज़ाम कल ले लिया जाए तो आपका सिलेक्शन कल होना चाहिए, इतनी तैयारी होना चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये है PEV का, व्यापम का ऑफिशियल क्या कैलेंडर जारी किया है। तो अगर आप इन फॉर्म को फिलअप करते हैं, आप इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप ये फॉर्म फिलअप करिएगा, अपनी तैयारी 100% करिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।